नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया का यूट्यूब चैनल। क्या आपने म्हाडा की जो कोंकण बोर्ड की लॉटरी है उसके लिए अप्लाई किया है? डरिए नहीं, अगर नहीं अप्लाई किया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि 22 सितंबर 2021 रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम दिन था और 23 सितंबर 2021 एप्लीकेशन के लिए अंतिम, पर म्हाडा ने इन दोनों दिनों को एक्सटेंड कर दिया है। दरअसल म्हाडा के कोंकण बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो 8,984 घरों की लॉटरी करेगा। ये 8,984 घर थाने, मीरा रोड, विरार, वसई, कल्याण, टिटवाला, नवी मुंबई के घनसोली, इन जगहों पर स्थित है और इन घरों की कीमतें बहुत कम हैं। कुछ घर 15 लाख में भी अवेलेबल हैं तो कहीं कुछ घर 10 लाख में भी मिल रहे हैं। और इन घरों के लिए अब तक म्हाडा के पास लाखों एप्लीकेशंस आ चुके हैं। दरअसल म्हाडा ने अगस्त 24 को एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों की शुरुआत कर दी थी और सितंबर 22 और सितंबर 23 को रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन ख़त्म हो रहा था। पर क्योंकि इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों को अप्लाई करना है, क्योंकि म्हाडा के घर किफ़ायती होते हैं। आम इंसान जो मुंबई या मुंबई के इर्द गिर्द यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहता है वो जानता है या उसकी हैसियत नहीं होती कि वो मार्केट में जो घर बिक रहे हैं बिल्डरों के वो ख़रीद सके, क्योंकि मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में घरों की कीमत आसमान छूते हैं और उनके लिए सबसे वाजिब जो घर अवेलेबल हैं वो म्हाडा के होते हैं। और इसलिए म्हाडा ने ये दोनों भी दिन एक्सटेंड कर दिए हैं। जी हाँ, एप्लीकेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए जो दिन पहले निश्चित किए थे उनकी जगह पर अब रजिस्ट्रेशन जो पहले 22 तारीख की रात 11:59 को ख़त्म हो रही थी वो अब 29 सितंबर को 11:59 तक एक्सटेंड कर दिया है और एप्लीकेशन के लिए 30 सितंबर 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो EMD यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट देना होता है हर एक व्यक्ति को जब वो अप्लाई करता है, EWS के लिए 5,000, LIG के लिए 10,000, MIG के लिए 15,000 और HIG के लिए 20,000 रुपये जो भरने होते हैं, दरअसल उनका भी डेट 1 अक्टूबर कर दिया है। म्हाडा के घर उन लोगों के लिए हैं जो मार्केट से घर नहीं ले सकते, और यदि ये एक्सटेंशन ना हो पाता तो अब तक 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब अप्लाई नहीं कर पाए थे और उनके मन में ये डर था। कहते हैं कि कईयों ने म्हाडा से गुजारिश की और म्हाडा ने ये गुजारिश को मानते हुए, दरख्वास्त को मानते हुए एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन के दिनों को एक्सटेंड कर दिया है। ये एक्सटेंशन से उम्मीद की जा रही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब तक अप्लाई या रजिस्टर नहीं कर पाए वो इसमें एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन करेंगे। पर क्या आप एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये अगर आपको जानना है तो ये जो ऊपर लिंक है इसमें मैंने ये वीडियो डाल रखा है, आप वो वीडियो पर जाकर आप ये जान सकते हैं कि क्या आप म्हाडा के घरों को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये आप इस लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। हालांकि डेट्स बढ़े हैं पर एक चीज़ जो नहीं एक्सटेंड हुआ है वो है कि किस दिन म्हाडा ने पहले डिसाइड किया था कि लॉटरी करी जाएगी थाने में, वो था दशहरा का दिन 14 अक्टूबर। अब भी 14 अक्टूबर को ही लॉटरी होनी है, तो भले एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए डेट एक्सटेंड कर दिए गए हैं पर लॉटरी का जो दिन है वो नहीं बढ़ा है, यानी लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और 14 अक्टूबर को ही लॉटरी म्हाडा करने वाली है। squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और स्क्वायर फीट इंडिया का ये यूट्यूब चैनल है। हम आप तक स्क्वायर फीट इंडिया के ज़रिए रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ लाते रहते हैं। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और फॉलो कीजिएगा। आप इसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप squarefeetindia.com के वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।